सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और ज्यादातर वो वीडियोस हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं या फिर जम्मू कश्मीर से या उत्तराखंड से। जी हाँ, इन सभी में एक ही बात कॉमन है कि ये सारी वीडियोस पहाड़ी राज्यों से है और वीडियोस हैं भारी बारिश से होने वाली तबाही के बारे में। लेकिन इसी बीच एक बहुत सा कॉमन वर्ड हम सबके बीच घूम रहा है, जो है बादल फटना। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार बादल फटना होता क्या है। तो हमारी इस वीडियो के जरिए आज हम आपको यही बताएंगे बादल फटना क्या होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर, ये लाइव वीडियो। जी हाँ, बादल फटना, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार बादल फटना क्या होता है। और हम ये सोचते भी हैं कि बादल कैसे फटता होगा, क्या बादल बीच में से अलग हो जाता होगा या बादल से बहुत सारा पानी किसी एक निर्धारित जगह पर गिरता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर किसी एक से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में 10 सेंटीमीटर तक मोटे कण वाली बारिश हो तो उसे बादल फटना कहा जाता है। यानी कि सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी छोटी से जगह में बहुत ज़्यादा मोटे कण वाली बारिश हो तो उसे बादल फटना कहते हैं। एक समय पर एक से भी कहीं ज़्यादा बादल फट सकते हैं, जैसा कि 2013 में केदारनाथ में हुआ था। ऐसे अगर बादल फटते हैं तो इनमें जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि आपने 2013 में केदारनाथ में ज़रूर देखा होगा। या केदारनाथ की खबर आप ज़रूर जानते भी होंगे, उसके वीडियोस आज दिन तक सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं और सभी उस आपदा के बारे में समझते भी हैं। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार बादल फटना किस वजह से होता है। इसके लिए हमें दो चीज़ें सबसे पहले समझनी होगी। एक तो वो बादल जो कि नॉर्मल आपने आसमान में घूमते हुए देखे होंगे, एक वो बादल जिनके अंदर पानी भरा होता है, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं नमी वाले बादल। ऊपर से अभी मॉनसून है और साथ ही साथ अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो जाए और उसके बाद नमी वाला बादल और साथ ही साथ मॉनसून का मौसम, तो ऐसे में ये तीनों चीज़ें मिल जाते हैं तो बादल फटना निश्चय है। अधिकतर मौकों में यही वजहें होती हैं किसी बादल फटने के पीछे। इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बादल उन बादलों की वजह से फटते हैं जिनके अंदर ज़्यादा नमी हो, वही बादल कारण बनते हैं मोटे कण वाली बारिश के। एक जगह में एक से ज़्यादा बार भी कई बार बादल फट सकते हैं, जो कि भारी नुकसान की ओर इशारा करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बादल कैसे फटता है अब आप ये समझ गए होंगे, लेकिन इसके अलावा भी आप सभी के मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे। अब उनके बारे में भी एक एक कर आपको जवाब दे देते हैं। अब इसके बाद लोगों के मन में जरूर ये सवाल उठता होगा कि क्या बादल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में फटते हैं। जी हाँ, ज्यादातर जो बादल हैं वो पहाड़ी इलाकों में ही फटते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये एक पहाड़ है और पहाड़ का सरफेस इसके बिल्कुल सराउंड में है, यानी कि इसके आसपास है। एक नमी वाला बादल जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इस हद तक पहुंच जाता है, मॉनसून का भी मौसम है, और जब वो इस सरफेस से टकराता है तो ज़ोरदार एक छोटे से इलाके में बारिश होती है, जो कि कारण बनता है बादल फटने के और वहां पर भारी नुकसान के। ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर बादल फटते हैं, मैदानी इलाकों में भी फट सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है वैसा एटमॉस्फेयर और वैसी सराउंडिंग का होना। लेकिन हम तो दुआ यही करते हैं कि कहीं पर भी बादल ना फटे। अब लोगों का एक सवाल ये भी है कि क्या बादल सिर्फ और सिर्फ बरसात यानी कि मॉनसून के मौसम में फटते हैं। हो सकता है ऐसा कि बादल मॉनसून या फिर बरसात के मौसम में ही ज़्यादातर फटे, लेकिन जैसा कि हमने पहले आपको जवाब में बताया कि अगर इस तरह के सराउंडिंग किसी भी मौसम में बन जाए तो जाहिर तौर पर बादल फट सकते हैं, इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकती है। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि बादल कैसे फटते हैं, अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये आपके लिए काफ़ी मददगार भी साबित होगा और जब कभी बादल फटने का जिक्र होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आखिरकार ये प्रक्रिया पूरी कैसे होती है। अब मुझे दें इजाज़त, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।